मेष, दिन के प्रारंभ में नए कार्य का आरंभ करने के लिए आप उत्साहित रहेंगे, ऐसा गणेश जी कहते हैं। शरीर और मन की स्वस्थता भी आपके इस उत्साह को दोगुना कर देगी। स्नेही मित्रों तथा स्वजनों के साथ स्नेह मिलन के समारोह में जाना हो सकता है। वृषभ, घर के सदस्यों के साथ आप आवश्यक चर्चा विचार करेंगे। घर की साथ सजावट में और अन्य विषयों में परिवर्तन करने के लिए आपकी रुचि बढ़ेगी। माता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। कार्यालय में उच्च अधिकारियों के साथ संबंध में सुधार आएगा। मिथुन, पारिवारिक और व्यवसायिक क्षेत्र में आपका दिन बहुत अच्छी तरह से बीतेगा। दोनों स्थलों पर आवश्यक विषयों के संबंध में चर्चा के बाद निर्णायक स्थिति का निर्माण हो सकता है। कार्यभार बढ़ने से स्वास्थ्य में कुछ ढीलापन आएगा, परंतु मध्याह्न के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। कर्क, आज आपका व्यवहार न्यायपूर्ण रहेगा, ऐसा गणेश जी कहते हैं। निर्धारित किए गए कार्य को करने की प्रेरणा मिलेगी, परंतु प्रयास करने पर ऐसा अनुभव होगा कि जितने भी प्रयत्न आप कर रहे हैं वह उल्टी दिशा में जा रहे हैं। स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, क्रोध की मात्रा भी अधिक रहेगी। सिंह, आज दिन के प्रारंभ में शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थता और व्यग्रता का अनुभव होगा। क्रोध की मात्रा अधिक रहने से किसी के साथ मनमुटाव होगा, परंतु मध्याह्न के बाद आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में भी आनंद का वातावरण होगा। कन्या, आज नूतन कार्य और प्रवास न करने की गणेश जी सलाह देते हैं। प्रेम और धिक्कार की राग द्वेष जैसी भावनाओं को छोड़कर समता पूर्वक व्यवहार करने का आज दिन है। आध्यात्मिक क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त होने का योग है। तुला, आज दिन का प्रारंभ आनंदप्रद रहेगा, ऐसा गणेश जी कहते हैं। विचारों में उग्रता और अधिकारत्व की भावनाएं मन में रहेंगी। आर्थिक लाभ की और प्रवास की संभावना है, परंतु मध्याह्न के बाद संध्या के समय अनर्थ ना हो जाए, इसलिए आपकी वाणी पर संयम रखना आवश्यक होगा। वृश्चिक, बौद्धिक कार्यों को करने के लिए तथा जनसंपर्क बनाए रखने और लोगों के साथ घुले मिले रहने के लिए दिन अच्छा है, ऐसा गणेश जी कहते हैं। छोटे प्रवास की संभावना है। धन संबंधित आयोजन करने के लिए समय शुभ है। धनु, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए संभल कर चलने की गणेश जी सलाह देते हैं। अधिक श्रम के बाद कार्य में सफलता मिले तो निराश ना होइए, ऐसा गणेश जी कहते हैं। प्रवास पर्यटन को आज हो सके तो टाल दीजिएगा। मकर, आज आप कुछ अधिक संवेदनशील रहेंगे, ऐसा गणेश जी कहते हैं। आपकी भावना को भी ठेस पहुंच सकती है। वाहन चलाते समय ध्यान रखिएगा। आपत्तिकर विचार, व्यवहार और आयोजन से दूर रहिएगा। किसी भी कार्य में शीघ्र निर्णय लीजिएगा। कुंभ, आवश्यक कार्यों के निर्णय न लेने के लिए गणेश जी आपको सलाह देते हैं। नए कार्य का प्रारंभ करने के लिए आज दिन के प्रारंभ का समय बहुत अनुकूल है, परंतु मध्याह्न के बाद आपकी मानसिक व्यग्रता में वृद्धि होगी। संपत्ति विषयक दस्तावेज करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। तीन, आज का दिन आपके स्वार्थी व्यवहार को तितांजलि देकर अन्यों के विषय में विचार करने के लिए गणेश जी सूचन करते हैं। घर, कुटुंब तथा व्यवसायिक क्षेत्र में समाधानकारी व्यवहार अपनाने से वातावरण आपके पक्ष में रह सकता है। वाणी पर संयम रखने से आप विवाद तथा मन दुख को टाल सकेंगे।